हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी अश्विनी विद ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज मैं मॉर्निंग से मेरे किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करने कर रही हूँ। यहाँ पे जो ये आप स्टील का रैक देख रहे हो ना, वो काफ़ी ख़राब हो गया था, इसलिए मैं उसको मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले वो रैक को गैलरी में लेके उसे क्लीन कर रही हूँ। और नाइट में मैंने थोड़े बस स्टील के प्लास्टिक्स के बॉक्सेस भी क्लीन करके रखे हुए थे, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना सारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये रैक क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे डीमार्ट भी जाना है मंथली ग्रोसरी लाने के लिए। तो सोची ग्रोसरी लाने के पहले किचन के बॉक्सेस थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हो किचन की हालत, क्योंकि मैंने वो ऊपर के दो जो रैक दिख रहे हो ना, वो पूरे खाली करके लिए थे, और ये स्टील का रैक और मतलब पूरा सामान निकाल लिया था। तो ये बॉक्सेस निकाल के मैंने जो मैं ये वाले रैक में रखती हूँ ना, तो ये सारे बॉक्सेस निकाल के मैंने क्लीन करके नाइट में ऑलरेडी सूखने के लिए रख दिए थे फ़ैन के नीचे। तो यहाँ पे मैं रैक में जो भी छोटा मोटा सामान था वो निकाल ली हूँ, और उसको रैक को जो है अच्छे से क्लीनर डाल के क्लीन कर लेती हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... किचन क्लीन होने के बाद में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। तो मैं यहाँ पे गार्लिक एंड रेड चिली का पोहा बना रही हूँ। तो मैंने पोहा भिगो के रखा है, उसके ऊपर रेड चिली डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी और थोड़ी सी स्पाइसी वाली डाली है, नहीं तो आपका ज़्यादा रेड चिली पाउडर दिखेगा। नमक डाल दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ। और साइड में मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखी हूँ। ऑयल गरम होने के बाद में यहाँ पर मैं ऐड की हूँ थोड़े से पीनट्स एंड जीरा। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे पीनट्स को, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है ताकि पीनट जो है
जल जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ही फ्राई किया है। थोड़ा फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसको छोटा छोटा काट के लिया है और वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। और गार्लिक जो है यानी कि लहसुन अच्छा गोल्डन ब्राउन होने के बाद में यहाँ पे मैंने जो पोहे के ऊपर नमक, लाल मिर्च और शुगर, बस तीन ही चीज़ें ऐड कर थी, वो इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके ले लेना है। इसके बाद आप कलर देख सकते हो पोहा का। विद इन 5 मिनट्स में बन के ये वाला पोहा जो है रेडी हो जाता है। आप गार्लिक का एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है पोहा। और यहाँ पे मैंने जो मॉर्निंग में दूध पैकेट लेके आई थी उसको भी गर्म करने के लिए रख दूंगी साइड में। और पोहा ऑलरेडी बन चुका था तो उसको मैंने दूसरे गैस स्टोव के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पे मैंने मिल्क रख दिया है, दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे बेटे को देवांश को, उसको मैगी खानी थी, पोहा नहीं खाना था, तो मैं देखिए वो कट कर रहा है पैकेट की, बोल रहा है मैगी बना के दे दो। बट रोज़ रोज़ मैगी भी अच्छी नहीं रहती है ना, इसीलिए मैं जितना हो सके उतना अवॉइड ही करती हूँ। उसको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोहा कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है पोहा का। और यहाँ पे मैं थोड़ा मिक्सचर ले रही हूँ पोहे के साथ में। आप पोहे के साथ में दही ले सकते हो, अनियन अचार के साथ में खा सकते हो, कुछ मिक्सचर है उसके साथ में खा सकते हो, चूड़ी के साथ में, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ पोहा खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में थोड़ा सा नींबू, अनियन, मिक्सचर और पोहा ले लिया है। और हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका था, देवांश को भी मैंने पोहा ही खिला दिया था, उसको मैगी बना के नहीं दी थी। और उसके बाद यहाँ पे आई हूँ मैं, मतलब बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि समर है तो चाय तो नहीं हो रहा है, पिए तो ज़्यादा गर्म गर्म लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी कॉफ़ी बना ली। गुड इवनिंग, मॉर्निंग से लेके अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी हुआ है इवनिंग का 5:30। जैसे कि हम लोग डीमार्ट गए थे ग्रॉसरी लाने के लिए, मंथली ग्रॉसरी जो भी होती है वो लाने के लिए, मैंने कुछ डीमार्ट से ग्रॉसरी ली है और कुछ ग्रॉसरी के जो शॉप होते हैं होलसेल वाले उधर वहाँ से कुछ ली है। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ मैंने क्या लिया है। ये सारा पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ग्रोसरी आपके साथ में शेयर करने के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए। ग्रोसरी आपको दिखाने के बाद मेरे बेटा ज़्यादा ही सता रहा था, इसलिए मैंने आगे कुछ कंटिन्यू नहीं किया है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको मिल रही हूँ डिनर में। ऑलरेडी डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ अनियन की चटनी। तो एक तवे के ऊपर मैंने यहाँ पे ज्वारी की रोटी बना ली थी, उसी तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है, जीरा डाला है, गार्लिक डाला है, और गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर। वो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने अनियन रफली चॉप करके लिया है और वो डाल दिया है उसमें। तो ये अनियन के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, तो इसको हमें जो फ्राई करते करते 10 मिनट्स फ्राई करना है लो मीडियम गैस पे, मतलब आधा क्वांटिटी आधा हो जाएगी तब तक हमें आधा क्वांटिटी होने तक फ्राई करके लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स अच्छे से फ्राई करके ले लिया है और हमारी अनियन की चटनी ऑलरेडी बन के रेडी है। तो इसमें मैं थोड़े से पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि कारियल का पाउडर हो गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा पीनट्स का पाउडर ऐड कर दिया है। ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले तवे को चिपक रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आप चाहे तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है ना चटनी की, थोड़ी सी पतली भी रख सकते हो, बट मुझे जो है ऐसे थिक में ही थोड़ा पसंद आता है, इसलिए मैंने सूखा टाइप ही बनाया है। तो चटनी बनाने के बाद सेम उसी तवे के ऊपर मैं बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आफ्टरनून का मेरा पुलाव बचा हुआ था, तो उसको भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई भी करना हो जाएगा, गर्म भी करना हो जाएगा। तो उसके लिए ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और जो भी पुलाव था उसको मैं अच्छे से उसमें डाल के फ्राई करके ले लूँगी। वो चटनी बनाने के पहले मैंने ज्वारी की रोटी जो है ऑलरेडी बना के ले ली थी, और देखिए पुलाव भी अच्छे से फ्राई होके रेडी है। तो आज का बस हमारे यही सिंपल डिनर है, ज्वारी की रोटी, अनियन की चटनी, थोड़ा सा कर्ड, और जो मैंने आफ्टरनून में पुलाव बनाया था वो थोड़ा सा बच गया था, वो पुलाव। और ये है हमारी डिनर थाली। यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ। और उसके बाद डिनर करने के बाद में देवांश ने थोड़ा लेट खाया था, इसलिए मैंने डिनर करने के बाद ही उसका पराठा बना लिया था। उसको पराठा पसंद आता है, उसमें उसने आफ्टरनून में चपाती भी नहीं खाई थी, तो यहाँ पे मैं उसके लिए 2 पराठे बना रही हूँ। तो ये पराठा जो देख रहे हो ना आप, ये दाल का पराठा है। आफ्टरनून में दाल में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने दाल गेहूँ के आटे में डाल के मिक्स करके, अनियन डाल के, मसाले ऐड करके थोड़े से मैंने ये 2 पराठे बना लिए उसके लिए। काफ़ी अच्छे पराठे बन जाते हैं, उसको पसंद है, हर एक तरह का पराठा वो खा लेता है।
इसलिए मैं एक टाइम दिन में उसको चपाती या पराठा देती हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं डालती, थोड़े से ही डाल देती हूँ। अरे उसके लिए पराठा दे रही हूँ, आप देख सकते हो पराठा कितना अच्छी तरह से सिक चुका है। साइड में थोड़ा सा कर लिया है कटोरी में और शुगर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा डिनर भी हो चुका है, देवांश के लिए भी डिनर हुआ हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ दूध गर्म करने के लिए, पीने के लिए दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, डिनर भी हो चुका है। अभी हुआ है नाइट का 10:30। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आई होप कि आप सबको मेरे वीडियो थोड़े भी पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो एक लाइक भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।